तो आज की इस वीडियो में हम हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऐसे जिगरी यार जानेंगे जो कि दोस्तों शील्ड से भी परे है। आसान शब्दों में कहने जाए तो रोमन रेंस के लिए उमरने के लिए भी तैयार है। बस हो गया दोस्तों दोस्ती वाला सिलसिला, दोस्त दोस्त ना रहा, क्या बोले आप। चलिए वीडियो को शुरू कर डालते हैं। नंबर एक ब्रॉन स्ट्रोमन। तो दोस्तों हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन रोमन रेंस के लिस्ट में काफी ऊपर आते हैं क्योंकि दोस्तों रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन का नाता काफी पुराना है। ऑन टीवी के ऊपर तो दोस्तों ये दोनों खुद की जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं, पर रियल लाइफ में ये एक दोनों की काफी जिगरी यार है। और आपके जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि जब हमारे रोमन रेंस को 2018 में कैंसर हुआ था यानी न्यूकेमिया हुआ था, तब दोस्तों हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन एक में वो सुपरस्टार फूट फूट के रो रहे थे। बस हो गया दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन का एक कार्टून के जैसा फूट फूट के रोना। अब बात करेंगे दोस्तों रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई में सपोर्ट करने वाले सुपरस्टार के बारे में, जो कि दोस्तों रोमन रेंस का काफी जिगड़ी यार भी है और रोमन रेंस का काफी बड़ा दुश्मन भी है। दूसरा तीसरा कोई भी रेसलर नहीं, हमारे गेम ऑफ द गेम ट्रिपल एच है। तो दोस्तों हमारे किंग ऑफ द किंग ट्रिपल एच ने रोमन रेंस का तो सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में टैलेंट पर का, यानी रोमन रेंस के अंदर कितना टैलेंट है ट्रिपल एच को पता था। इसलिए दोस्तों हमारे ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को शील्ड में ऐड किया और रोमन रेंस के पीछे शील्ड का कितना बड़ा हाथ है आपको मालूम है। और दोस्तों हमारे रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू में बात बताई है कि ट्रिपल एच ने उनको कितनी आर्थिक मदद की है। अब बात करेंगे दोस्तों रोमन रेंस के तीसरे फ्रेंड के बारे में। तो दोस्तों दूसरा तीसरा कोई भी फ्रेंड नहीं, हमारे डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस है। अब इनके बारे में हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यार एक साथ उठते, एक साथ बैठते, एक साथ दारू पीते, एक ग्लास में दारू पीते, इनके बारे में क्या बोलेंगे यार, सगे भाई से कम नहीं। और दोस्तों ये दोनों रोमन रेंस के काफी बड़े लंगोटी यार है। बाय द वे दोस्तों आपका कौन सा लंगोटी है यार, यानी काफी जिगरी बड़ा फ्रेंड है, आप ये बात मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगला वीडियो किसके ऊपर देखना चाहोगे ये बात कमेंट्स करके जरूर बताना। और कमेंट्स करने में जरा भी मत शर्माइए।